हे डियर व्हाट्सअप गाइस, न्यू आधार वीडियो आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बनाया एक 7805 रेगुलेटर से वोल्टेज कन्वर्टर, और ये जो सर्किट है इसके अंदर आप 70 वोल्ट मैक्सिमम दे सकते हो और 5 वोल्ट ले सकते हो आउटपुट सिर्फ, और ये आप एक प्रोफेशनल काम के लिए यूज कर सकते हो। इनपुट दे रहा हूं 72 वोल्ट, और देखिए ये हमारा एलईडी जल चुका है। तो फ्रेंड देखिए, मेरे हाथ में एक ऑन के का रेजिस्टेंस है और एक 3 वोल्ट का एलईडी है। तो देखिए, और ये है एक 7 एम्पियर 12 वोल्ट का बैटरी। तो देखिए, इसके साथ ये जो एलईडी है मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा तो ये जो एलईडी है ये खराब हो जाएगा। अगर मैं देखिए इसके अंदर एक 1K का रेजिस्टेंस लगा के इस तरीके से कनेक्ट करूंगा तो ये लाइट जलने लगेगा और खराब भी नहीं होगा। ये क्यू देखिए, और आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, पकड़ रहा हूँ अभी, देखिए 13 वोल्ट निकल रहा है, 13 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है, और ये हमारा एलईडी है 3 वोल्ट का, उसको बाद भी ये जल रहा है, खराब नहीं हो रहा है। क्यों? देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इस बैटरी का जो एम्पियर है ये इसको घटा देता है और वोल्टेज वही रहता है। तो देखिए यहाँ पर 1K का जो रेजिस्टेंस है ये बैटरी का प्लस साइड में मैंने इसको जोड़ दिया, और देखिए यहाँ पर मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो 13 वोल्ट आ रहा है, और इस साइड में भी 13 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, देखिए 13 वोल्ट। अगर मैं देखिए यहाँ पर इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, देखिए ये एलईडी जल रहा है, एलईडी जल रहा है, और देखिए एलईडी जल रहा है, और मैं यहाँ पर देखिए कनेक्ट कर रहा हूं तो देखिए 287 मतलब 2 वोल्ट मतलब 3 वोल्ट के आसपास आ रहा है। क्यू? देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये इसका जो बैटरी का जो एम्पियर है इसको घटा दे रहा है, और जब देखिए ये जो एलईडी कनेक्ट हो रहा है तब जाके ये जो वोल्टेज है वोल्टेज भी घट जा रहा है, और इस तरीके से ये कम करता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो आज हम लोग देखिए 7805 जो रेगुलेटर ऐसी है उसके अंदर ज्यादा वोल्टेज देके एक सर्किट बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7805 जो रेगुलेटर ऐसी ये 25 वोल्ट या 30 वोल्ट इनपुट से ज्यादा नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर मैं 36 या 48 वोल्ट कैसे दे, और ये आईसी भी खराब नहीं होना है और आपको 5 वोल्ट आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो आईसी ये खराब ना हो इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ देखिए 6K, मुझे 6K नहीं मिला इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए 3K सीरीज करके 6K लगाऊंगा। मेरा जो सर्किट है पूरा बन के तैयार हो चुका है, और ये इनपुट वायर है और ये है आउटपुट, मतलब ये जो एलईडी है यहाँ से आउटपुट निकलेगा इस सेक्शन से। तो देखिए ये यहाँ से ये जो यहाँ से आप 5 वोल्ट ले सकते हो और यहाँ से 12 वोल्ट ले सकते हो, इस वायर से 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया मैंने, और इसको मैं काटिंग नहीं किया क्योंकि मैं एक ब्रशलेस डीसी मोटर के लिए इसको बना रहा हूँ, मतलब एक कंट्रोलर बनाऊंगा तो उसका वीडियो भी आएगा, आप लोग देख सकते हो, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारे कुछ जोड़ चुका हूँ। सर्किट का जो माइनस वाला वायर है, देखिए इनपुट का मैंने बैटरी का माइनस वाला वायर से जोड़ दिया और मल्टीमीटर को मैंने 200 पे रख दिया। और देखिए मैं यहाँ पर कितना वोल्टेज इनपुट दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए 72 वोल्टेज, ठीक है 72 वोल्टेज दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया, देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये एलईडी जल रहा है। देखिए तो हमारा इसका मतलब है लाइन आ चुका है। और आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कहाँ पर कौन सा वोल्टेज जा रहा है और ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि 72 वोल्टेज कम नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा वायर है 71 वोल्टेज क्योंकि लोड पड़ा है। और इसके बाद एक रेजिस्टेंस के अंदर जो 3K का, देखिए 40 वोल्ट आ गया। तो और यहाँ पर कितना वोल्टेज, 8.1 वोल्ट दे रहा है। मतलब यहाँ पर ही सारे जो वोल्टेज है और जो एम्पियर है यहाँ पर घट चुका है। और तब जाके देखिए यहाँ पर हमारा जो जो 12 वोल्ट रेगुलेटर है उसके अंदर जा रहा है और उसके बाद हमारा 5 वोल्ट जो रेगुलेटर है उसके अंदर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट मिले, 12 वोल्ट में 6 वोल्ट है और जो 5 वोल्ट है उसमें 5 वोल्ट है। देखिए देखिए तो ये जो सर्किट है, मैं एक 5-5 जो टाइमर आईसी होता है उसको चलाने के लिए ये बना रहा हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस हल्का सा हीट हो रहा है लेकिन ये जो रेगुलेटर आई सी ये बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है, बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है। और इसके अंदर भी मैंने एक हीट सिंक भी उसको बाद भी लगा दिया। मैं इसको प्रोफेशनल काम के लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसको मुझे सेल करना है। और यहाँ पर मैंने एक ब्रशलेस डीसी मोटर के लिए कंट्रोलर बना रहा हूँ जिसमें थ्रॉटल भी होगा, इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए बना रहा हूँ। तो उस वीडियो को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ठोक देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर।